इन दोनों देखा जाता है जो डायबिटीज है आम बीमारी हो चली है, आयुर्वेद में इसे किस तरह से बताया गया और इसके किस तरह से रोकथाम करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज जो है मधुमेह, जिसको आयुर्वेद में प्रमेह के रूप में लिया गया है, 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें से एक इच्छुमेह मधुमेह कहा गया है। मधुमेह जो है वो मुख्य रूप से लाइफ स्टाइल जनित रोग है, जीवन शैली पर आधारित रोग है। जीवन शैली गलत हमारी हो जाती है। मेनली जो आरामदायक लोग हैं, जो मीठे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, आलसी लोग हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इस तरह के लोगों को यह रोग ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर इसमें आयुर्वेद में जो षड्रस का वर्णन है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो कषाय रस का सेवन करना चाहिए, खीरे करेले टमाटर का रस लेना चाहिए, और मुख्य रूप से शारीरिक जो व्यायाम है वो करना चाहिए। नियमित वॉकिंग बहुत जरूरी है, 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन वॉकिंग करनी चाहिए। और मंडूकासन, शशकासन, ये विशेष 2 आसन हैं जो मधुमेह के लिए उपयोगी हैं, इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से अपनी जीवन शैली को सुधारना चाहिए, अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या है, लोग ओवर ईटिंग के ज़्यादा शिकार हो गए हैं, ज़्यादा मतलब टीवी देखते हुए खाना खाना, मोबाइल देखते हुए खाना खाना, तो उसमें उसकी मात्रा का वो निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो एक तो हमको अपने आहार की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम यानी कि आधा भोजन करना चाहिए, आधा जल और वायु के लिए छोड़ देना चाहिए, और जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस तरह के सीधे सरल उपायों को अपनाकर हम इस लाइफ स्टाइल जनित रोगों से बच सकते हैं।